तो गाइज ये देखो, ये है स्क्रैम्प और ये रॉयल एनफील्ड ने ना अभी नई लॉन्च की है। और हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज बाइक नहीं, आज अपने पास है साइकिल, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था अपने ने साइकिलिंग नहीं की थी, तो सोचा कि आज साइकिलिंग करते हैं और जिम चलते हैं। तो अभी क्या है कि जिम जा रहा हूँ और आज उठने में काफ़ी ज़्यादा मैं लेट भी हो गया, पता ही नहीं क्यों अपने फ़ोन का अलार्म नहीं स्टार्ट हुआ था। ओहो, सुबह जैसे साइज तो अपनी कंप्लीट हो गया, आज ट्राई शेप का वर्कआउट किया था और मज़ा आ गया। लेकिन अब क्या है कि अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कुछ करना है। जिम से ही तो आ रहा हूँ, साइकिल से गया था हैं कल सुबह चला कर। तो अभी हमें मिली R15, एक ट्राई लेके आते हैं भाई की बाइक की कैसी है। स्पोर्ट्स बाइक वगैरह अपने ने चलाई नहीं है, लेकिन आज चला के देखते हैं। ओहो ओहो, वाह वाह वाह, ओहो। तो ये अपने दोस्त की बाइक है, मैं जिम से आ रहा था तो मुझे रास्ते में मिल गया था, तो मैंने कहा कि चल तेरी बाइक की जो है अपन एक ट्राई मार के देखते हैं। स्पोर्ट्स बाइक है, वैसे मुझे सही सही लगती हैं, बस ठीक ठाक, पर अपने तो रॉयल एनफील्ड के दीवाने हैं ना, पर कभी कभी चला के देखना चाहिए, ट्राई मार के देखना चाहिए कि कैसा काम कर रही है। सही है यार, कम्फर्टेबल है। अभी मैंने ये माइक लगा तो लिया है अपने हेलमेट के अंदर और मैं अब इसका ना टेस्टिंग करने जा रहा हूँ, क्योंकि अपने को क्या है कि उस वाले माइक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कोई वॉइस वाइस अपने को इतनी अच्छी आ नहीं रही थी। तो फिर ये मोनो का माइक है, मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा रिव्यू देखे थे और रिव्यू देखने के बाद मैंने भी इसे परचेज़ कर लिया अमेजोन से अब, लेकिन मैंने इसका ट्राई नहीं किया था। आज ट्राई करने जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि ये कैसी मतलब क्वालिटी देता है। और आप लोग भी ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसकी वॉइस में कितना ज़्यादा मतलब चेंजेस है, कितनी इको आ रही है और वॉइस कितनी क्लियर आ रही है, सब कुछ बताना भाई, क्योंकि अपन एक लंबी ट्रिप का प्लान करने वाले हैं जल्दी, तो इसलिए उसके लिए ये सारी तैयारी वगैरह मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके बार जब जाना है तो एकदम प्रॉपर होके जाना है, कोई कमी नहीं छोड़नी है बस। तो चलो निकलते हैं यहाँ से आगे। वो 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 ये काफ़ी ज़्यादा मज़ा, बाइक अपनी सही चल रही है, लेकिन जाने से पहले थोड़ा बहुत काम वगैरह करा लेंगे और सोच रहा हूँ कि इसे मॉडिफाई वगैरह करा दूँ, अगर होगा तो करा दूँगा, नहीं तो फिर कभी बाद में देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है मैं ट्राई सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ निकलने का जल्द से जल्द। और अपने को क्या है कि हेलमेट का थोड़ा सा वाइज़र भी जो है इसका प्रॉब्लम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा धुंधला वगैरह हो रखा है, तो अपन क्या है कि राइडिंग वाले चश्मे मंगा लेंगे, वो मैंने मंगाया था एक अभी, लेकिन यार ख़राब निकला वो। तो अभी मैं जा रहा हूँ बॉबी के शोरूम पे, वहाँ तक ट्राई लेंगे इसका और कैसी वॉइस आ रही है। तो अभी थोड़ा सा इसे खींच के भी देखता हूँ, बाइक चल रही है 80 की स्पीड पे, 80 की स्पीड में कैसी आ रही है, और ये अभी नॉर्मल 80 से थोड़ा कम हो चुका हूँ, तो सब कुछ, क्योंकि यार वॉइस वगैरह अगर क्लियर नहीं आती है ना तो फिर मज़ा नहीं आता है। ओहो, तो ये आ गया अपना
बॉबी का शोरूम रॉयल एनफील्ड का भी बंद हो चुका है, लेकिन बॉबी से चल के मिलते हैं, मैं कॉल कर लेता हूँ उसको। गाइस अभी माइक का टेस्ट करते हुए ना मैं आ गया था रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे बॉबी के पास में, और ये बाल वगैरह जो हो रहे हैं हेलमेट में ख़राब हो गए हैं तो थोड़ा मैनेज कर लेना। लेकिन बॉबी के पास ना शोरूम पे एक नई बाइक आई है स्क्रैम, और रॉयल एनफील्ड की बाइक है, तो मैं ना आपको वो दिखाता हूँ, देखो क्या जबरदस्त और धांसू बाइक है। तो गाइस ये देखो, ये है स्क्रैम्प, और ये रॉयल एनफील्ड ने ना अभी नई लॉन्च किया है, और इसकी खास बात क्या है कि इसका जो लुक दे रखा है ना वो हिमालयन की तरह दे रखा है, रॉयल एनफील्ड की बिल्कुल हिमालयन, लेकिन हिमालयन से ये थोड़ी साइज में छोटी है, लेकिन देखने में ना बहुत अच्छी है। और इसके अंदर एक खास बात मुझे ये बता रहा था बॉबी कि आप इसको लॉन्ग राइड पे तो यूज़ कर ही सकते हो, उसके अलावा ना इसको जो है आप अपने लोकल में भी अच्छे से घुमा भगा सकते हो, मतलब लोकल बाइक की तरह ना इसका वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। और देखो एक बार ही आपको अच्छे से इसका लुक दिखा देता हूँ सामने से, बढ़िया, और इधर से आपको दिखाता हूँ, तो ये देखो क्या एकदम शानदार लग रही है, गजब की। अभी अपने को इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है सच बताऊँ तो, क्योंकि कभी इसके बारे में बॉबी जो है वो अच्छे से रिव्यू दे देगा, मैं ले आऊँगा, और अभी इसके बारे में थोड़ा सा मैं भी नॉलेज गेन करता हूँ गूगल से, फिर इसका अच्छे से रिव्यू देंगे। लेकिन ख़ास बात क्या है कि हिमालयन की तरह दी है और थोड़ी सी छोटी है, बट देखने में बहुत बढ़िया लग रही है, अभी ट्राई नहीं करके देखा है, किसी दिन राइड पे चलेंगे तो फिर इसके बारे में और बताऊँगा। I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love.